नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपके साथ मैं हुरीना कौरव और आप देख रहे हैं 4 बजे हरियाणा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने अपने तेवर जाहिर कर दिए। नेता विपक्ष अभय चौटाला ने सदन के शुरू होते ही हरियाणा में धान घोटाले का मुद्दा उठाया और काम रोको प्रस्ताव पर पहले चर्चा की मांग की। अभय ने कहा कि हरियाणा में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान घोटाला हुआ है। अभय चौटाला की मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। धान वाला जो है, सबसे पहले हमने धान पे दिया क्योंकि करंट इश्यू है और धान के मामले के अंदर सबसे ज्यादा जो बेकायदगियां हुई है इस सरकार के अंदर, जहां ये कहते हैं कि हमने जीरो टॉलरेंस पे लाने की बात करी है भ्रष्टाचार को, और जितना बड़ा घोटाला धान का आज अगर इसकी सही मायने में जांच होगी तो बहुत से लोग इसमें जो शामिल हैं वो सामने आ जाएंगे। लहदा हमने बिजली पे दिया है, हमने हमारा पशुओं वाला जो इशू है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है अपने आप में। हमने तीन तो ये हैं, इसके अलावा दो और इशू हमने जो है वो भी दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे दिया हुआ है, पानी पे दिया हुआ है, कई ऐसे इशूज हैं आज जिनकी बहुत बड़ी जरूरत है। अपनी रणनीति पूरी बना चुके हैं और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और उसी के बाद क्या कहते हैं हम ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आते हैं। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान। कुलबीर, तो साफ है कि धान खरीद में हुए घोटाले को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार को घेरा है विपक्ष ने। निश्चित तौर पर रीना, जिस तरह से आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र का और पहले दिन ही कड़े संकेत दिए हैं विपक्ष की तरफ से, खास तौर पर संगीता कालिया का मुद्दा जो है वो उठाया गया है। कांग्रेसी विधायक गीता भूकल ने उनका ये मुद्दा उठाते हुए कहीं ना कहीं मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री का ये जो व्यवहार था उनके प्रति वो काफ़ी निंदनीय था और काफ़ी अशोभनीय था, इसको लेकर उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। हालांकि इसी कड़ी में आगे जो इनेलो है उसने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये कहा कि दलितों के ऊपर अत्याचार की बात करें या फिर दलित उत्पीड़न की बात करें तो वो कांग्रेस की शासनकाल में ज्यादा रहे हैं। तो यानी इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आपस में ही भिड़ता नजर आया। और दूसरी रही धान घोटाले की बात, तो वो इनेलो ने प्रश्नकाल शुरू होते ही ये मुद्दा उठाया और कहा कि काम रोको प्रस्ताव के जरिए कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उसके बाद में ध्यान आकर्षण जो है उसमें बदल दिया गया स्पीकर की तरफ से। लेकिन इनेलो का यही आरोप है कि एक काफी बड़ा घोटाला जो है हरियाणा में धान खरीद में हुआ है और इसकी जांच करनी चाहिए। और कांग्रेस का भी यही मुद्दा था और कांग्रेस ने भी मांग की है रीना कि इस मामले की जो है जांच होनी चाहिए। और आज कई पहलुओं पर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी तीखी नोक झोंक देखने को मिली है। यानी कि पहले ही दिन विपक्ष ने कड़े जो तेवर हैं वो दिखाकर ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में भी जो शीतकालीन सत्र की बाकी अवधि है वो किसी हंगामे से खाली नहीं जा सकती। जी, बाकी अवधि की बात की जाए कुलबीर, तो कितनी अवधि है? और साथ ही यहाँ पर ये भी जरूर समझना चाहेंगे कि जब अनिल विज से गीता कालिया मामले को लेकर विपक्ष ने माफी की मांग की तो क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? देखिए, कांग्रेसी विधायक गीता भूकल ने स्वास्थ्य मंत्री पर ये आरोप लगाया कि उनका व्यवहार जो था वो एक महिला, दलित महिला और वो भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अशोभनीय था। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो अनिल विज हैं वो माफ़ी मांगे और उनके इस्तीफे की मांग उन्होंने की। और इसी दौरान जो इनेलो है उसने कहीं ना कहीं काउंटर अटैक करने की कोशिश की है कांग्रेस पर, और कांग्रेस जो है उस पर ये आरोप लगाया गया है इनेलो द्वारा कि कांग्रेस के शासनकाल में दलित उत्पीड़न के मामले जो ज़्यादा हैं वो आए थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे पर आपस में ही भिड़ता नजर आया। हालांकि सरकार के लिए ये राहत की बात थी कि विपक्ष जब आपस में भिड़ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं बचने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह की स्थिति थी, लेकिन तीखी नोक झोंक जरूर हुई है इसमें। जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कुछ अपना जो स्पष्टीकरण वो देना चाहते थे, लेकिन इसी बीच जो इनेलो के आरोप हैं कांग्रेस पे वो शुरू हो गए थे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलबीर इस तमाम जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं विपक्ष इस सदन की कार्रवाई को रसम अदायगी भी कह रहा है और सरकार को पूरी तरीके से घेरा भी जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जमीन के बदले प्लॉट और बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के किसानों ने आज सेक्टर 12 स्थित डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्दी पूरी नहीं हुई तो वो एक महापंचायत करेंगे जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता विनोद मित्तल। विनोद, तो आगे की रणनीति की अब बात कही जा रही है कि अगर मांगे नहीं मानी गई। रणनीति जो ये तैयार कर रहे हैं, ये सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पहले भी ये सड़कों पर उतर चुके हैं। नेशनल हाईवे इन्होंने जाम किया था और लंबा समय नेशनल हाईवे जाम रहा था, तब कहीं जाकर तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारा मुआवजा हम बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन जो अब हालात है, अब हालात ये है कि जो मुआवजा बढ़ाया गया था 16 लाख तय किया गया था और 16 लाख के बाद सरकार ने ये आश्वासन दिया था सभी किसानों को भाई 16 लाख की बजाय हम आपको 42 लाख रुपए देंगे। लेकिन 16 लाख तो मिल गया है, लेकिन 42 लाख वाले की जो बकाया मुआवजा है, बकाया मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है। जो जमीन ली गई किसानों की, उनको उनके बदले उन्हें एक एक प्लॉट मिल रहा था 100 गज का, वो प्लॉट भी आज तक किसानों को नहीं मिला है। जी, वो प्लॉट भी अभी तक किसानों को नहीं मिला, बड़ा हुआ मुआवजा भी नहीं मिला। विनोद, यहाँ पर अभी की अगर हम स्थिति समझने की कोशिश करें कि फिलहाल अगर किसानों की हालिया स्थिति क्या है, जिन्होंने भी अपनी जमीन दी थी उन्हें क्या कुछ मिला है, और साथ ही आपसे यहाँ पर ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। किसानों की अगर बात करें तो किसानों से उनके जो उनकी जमीन थी वो उनसे छिन चुकी है, अब वो एक टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। उनको ये आश्वासन दिया गया था कि भाई आपको एक 100 गज का जो नया मकान, नया प्लॉट मिलेगा, आप उसमें अपना मकान अच्छी तरह आप बना सकते हैं, कि टूटे फूटे मकान में आपको रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो ताजिया हालात हैं, वो ताजिया हालात ऐसे हैं कि किसानों के पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं है। रीना जी, किसानों के पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं है। महापंचायत की यहाँ पर बात कही गई है, विनोद उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बताऊं, रविवार को इन्होंने महापंचायत बुलाई है। जिन 5 गांवों की जमीन गई थी उसके अलावा 25 गांवों के किसान फरीदाबाद से बुलाए गए हैं और हजारों की संख्या किसानों की रहने वाली है। रूपरेखा उसी दिन तय की जाएगी, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि अपना एक बार फिर इनको नेशनल हाईवे जाम करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे जाम करके ये लोग दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रविवार को बुलाई गई है महापंचायत, जिस तरीके से हमारे संवाददाता विनोद मित्तल जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। खबर अंबाला से। अंबाला CIA2 की टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। अंबाला से 18,000 लिमोटिन, 15,000 माइक्रोलेट, 3,000 एलिडेक्स, 48 कोरेक्स बरामद हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमन कपूर। अमन, कैसे जानकारी हासिल हो पाई नशीली दवाओं के बारे में? देखिए रीना, अंबाला में पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश से जो है नशीली दवाएं यहाँ बेची जा रही थी, जो है ये सभी दवाएं प्रतिबंधित हैं और जिन्हें अंबाला में सप्लाई किया जा रहा था। जो CIA है और अंबाला पुलिस है इस पर लगातार नजर रखी थी, तो अभी जो है इस मामले में पुलिस को लीड मिली तो एक युवक को पुलिस ने काबू किया। उसने बताया कि मुजफ्फरनगर से यहाँ लाता था और अंबाला में इसको बेचा करता था और यहाँ से पंजाब और आसपास के इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये जो नशीली दवाएं बेची जाती है। पीना जी, बिल्कुल नशीली दवाएं यहाँ पर बेची जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर आपसे ये भी जरूर समझना चाहेंगे कि जखीरा तो बरामद किया गया है, क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है? ना, एक शख्स को इसमें पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला और वहीं से ये दवाई लाता था। अभी जो है उन लोग इस गिरोह में और लोग शामिल है, इसकी जो तफ्तीश है वो पुलिस ने शुरू कर दी है और जल्द ही पुलिस को लीड मिलती है तो जो अन्य आरोपी इस मामले में उन्हें भी पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। जी, साथ ही क्या इस बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है कि कहीं और भी छापेमारी की जा सकती है? देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है जो जांच अधिकारी इस मामले को, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर जहां जहां ये लोग नशीली दवाएं देते थे या किन दुकानों पर देते थे या कहां रहते थे, तो उन लोगों पर भी छापेमारी की जाएगी और जो उत्तर प्रदेश है वहां
किस तरह से गिरोह काम कर रहा है उसको लेकर भी पुलिस जो है कोशिशें करेगी कि वहाँ जो इसके माफिया बैठे हैं उन लोगों तक भी पहुंचे और उन लोगों को भी काबू किया जाए। जी, साथ ही ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है अमन कि कहाँ पर इतना सारा जखीरा रखा गया था और अब जबकि एक शख्स की गिरफ्तारी हिरासत में एक शख्स को ले लिया गया है तो क्या ये माना जाए कि इसके तार और भी बड़े लोगों से जुड़े हो सकते हैं जिनका खुलासा आने वाले दिनों में जल्द हो? बिल्कुल रीना, ये जो पकड़ा गया आरोपी है बताया जा रहा है कि यूपी से दिल्ली हरियाणा पंजाब जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ इस तरह की सप्लाई ये करता था और जो इंटीरियर इलाका रहता था ग्रामीण इलाके रहते थे वहाँ ज्यादातर ये सप्लाई रहती थी। पंजाब में भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है दवाएं, वहाँ जो है अंबाला बॉर्डर जो है पड़ता है वहाँ से ये लोग सप्लाई किया करते थे। तो अब जो है पुलिस को इस युवक के सहारे बहुत जो बड़ा नेटवर्क है उसे पकड़ पाने में कामयाबी मिलेगी। जो जखीरा इसी युवक से बरामद हुआ है ये लोग जो है यूपी से लाकर अंबाला में सप्लाई किया करते थे तो अभी जो है एक युवक जरूर काबू आ गया लेकिन पुलिस की कोशिश ये रहेगी जो और भी लोग इस धंधे से जुड़े हैं उन्हें भी काबू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अमन। और वहीं शराब तस्करी को लेकर विवाद के बाद अब आरोपी, आपको बता दें कि अब ओपी नरवाल फतेहाबाद के नए एसपी हैं। नरवाल ने शराब तस्करी को रोकना चुनौतीपूर्ण तो माना ही है, साथ ही वो इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि शराब की अवैध तस्करी में निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी भी मिले हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और महिला आईपीएस अफसर के बीच शराब तस्करी के विवाद के बाद अब ओपी नरवाल फतेहाबाद के नए एसपी होंगे। नए एसपी नरवाल पंजाब की सीमा से सटे फतेहाबाद में शराब की तस्करी को रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। हालांकि नरवाल के मुताबिक कितना भी चुनौतीपूर्ण हो उनका फोकस शराब की तस्करी पर नकेल कसना ही रहेगा। पुलिस अफसर बतौर कप्तान जो है मुझे ये चुनौती मिली है और ये मैं स्वीकार करता हूँ और मेरा प्रयास होगा कि मेरा फोकस शराबबंदी शराब को वहाँ से रोका जाए जिस तरह एक एपिसोड हुआ है और जो नशे के प्रति जो है मेरा विशेष अभियान रहेगा। एसपी नरवाल इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि शराब तस्करी में पुलिस महकमे के निचले स्तर के कर्मचारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। हालांकि नरवाल नहीं मानते कि शराब तस्करी में महकमे के आला अधिकारियों का हाथ हो सकता है। अफसरों के इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं मान सकता, हो सकता है कोई छोटे लेवल पे बहुत निचले लेवल पे कोई इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन सीनियर अधिकारी जो है सजग रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई निचले अधिकारी या कर्मचारी कोई इस तरह का स्टेप ला सकता। शराब की तस्करी बड़ा मुद्दा है जो अपनी जड़ें बेहद मजबूत कर चुका है लेकिन सवाल यह है कि खाकी के आला अफसर इतने सजग और संजीदा हैं तो इतने बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी का धंधा चल कैसे रहा है, शराब की तस्करी कैसे फल फूल रही है। राष्ट्राख्या, जी मीडिया, रोहतक। सोनीपत पुलिस ने गीता हत्याकांड में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में धुत संजीव ने ईंट मारकर पत्नी की हत्या की थी। पुलिस को इस केस में गीता के देवर, सास और ससुर की भी तलाश है। सोनीपत पुलिस ने गीता हत्याकांड में आरोपी पति संजीव उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को ककरोई नहर पुल के पास से धर दबोचा जिसके बाद उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया। आरोपी संजीव खेड़ी दहिया गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने शराब के नशे में ईंट मार कर पत्नी को मौत के घाट उतारा। 26 वर्षीय गीता की शादी 8 साल पहले संजीव से हुई थी। दारू पी रहा था। अच्छा, फिर दारू पी गया जी तो छोटी मोटी रोटी के साग के ऊपर झगड़ा हो गया। मनो ईंट मार दी थी। अभी ईंट मार के उसके पति ने उसकी हत्या कर दी है। जो जिस संबंध में एसएचओ साहब अजय मलिक द्वारा तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोषी इसमें एक दिन के रिमांड पे है। गीता के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही गीता के ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। इस केस में गीता के देवर, सास और ससुर को भी नामजद किया गया है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। यमुनानगर में गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिलों में शुमार रही सरस्वती शुगर मिल की शुरुआत हो गई है। मिल की शुरुआत होते ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। एक दूसरे का मुंह मीठा कराते किसान, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान, किसानों का फूल मालाओं से स्वागत।
गिफ्ट के तौर पर किसानों को दिए गए कंबल। जी हाँ, मौका था सरस्वती शुगर मिल के शुभारंभ का। मिल के संचालन अधिकारी एस के सचदेवा ने मंत्रोच्चारण के बाद अपने हाथों से मशीन में गन्ना डालकर मिल पेराई सत्र की शुरुआत की। इस बार सीजन में मिल ने 125 लाख क्विंटल गन्ने की पिरोई का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष का लक्ष्य हमारा एक करोड़ 25 लाख क्विंटल गन्ना क्रशिंग का है, जो कि जबकि पिछले साल हमने 1 करोड़ 42 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की थी। इस मिल में सिर्फ यमुनानगर ही नहीं बल्कि अंबाला और कुरुक्षेत्र के 35,000 किसानों का गन्ना आता है। पिछले साल मिल ने घाटे का हवाला देते हुए किसानों की पेमेंट रोक दी थी और ये भी कहा गया था कि अगर सरकार ने आर्थिक मदद नहीं दी तो अगले साल शुगर मिल नहीं चलाएंगे। इसके बाद किसानों की चिंता बढ़ गई थी। किसानों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मिल को 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया और फिर जाकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पता था कि मिल नहीं चालू होगी पर समय पर चालू हो गई और बहुत खुशी हुई। कल रात को पहुंच गए थे। सीजन में किसानों को परेशानी न आए इस दिशा में मिल प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। मिल में ट्रॉलियों से गन्ना उतारने के लिए इस बार 3 मोशन क्रेन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लेबर किल्लत को देखते हुए केन लोडर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। यमुनानगर से जी मीडिया के लिए वीना रानी की रिपोर्ट। गुड़गांव के विकास शर्मा ने दुनिया में सबसे कम समय में अंकों को जोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। महज 1 मिनट से भी कम समय में कई अंकों का जोड़ बताने की विकास की ये उपलब्धि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है। ये है गुड़गांव के होनहार विकास शर्मा, जिन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विकास ने दुनिया में सबसे कम समय में कई अलग अलग संख्याओं को जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। विकास की ये उपलब्धि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है। 15 कैलकुलेशंस किए 1 मिनट में, जिसमें 321 डिजिट से ज़्यादा मैंने कैलकुलेशंस की और अब हम इसको गिनीज को सबमिट करेंगे और उम्मीद है कि हमारा रिकॉर्ड अप्रूव होगा। और विकास ने यह कारनामा 1 मिनट से भी कम समय में कर दिखाया। वैसे विकास इससे पहले अमेरिका समेत कई देशों में हुई ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। अब विकास अपने इस प्रतिभा को औरों के साथ भी बांटना चाहते हैं। आगे मैं चाहता हूं कि मैं और भी रिकॉर्ड्स आगे बनाऊं और अपनी जो रिसर्च है मेरी उसका पेटेंट लूं, ताकि मैं ये औरों को भी सिखा सकूं कि ऐसा कैसे किया जाता है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे भी मैं अपनी स्किल को और बढ़ा सकूँ। और गुड़गांव के इस लाल ने एक बार फिर साबित किया है कि सच्ची लगन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उम्मीद है विकास अपने प्रतिभा का जलवा यूं ही आगे भी दुनिया को दिखाते रहेंगे और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रोहतक से, जहां पर सड़क पर उत्तर पुस्तिका मिलने का मामला सामने आया है। एसपी ने मालखाना कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। जांच में सामने आया कि 21 नवंबर को मालखाने से कोर्ट ले गई उत्तर पुस्तिका कोर्ट से वापस मालखाने ले जाते वक्त सड़क पर गिरी थी। उत्तर पुस्तिका फरवरी 2013 में उजागर हुआ था ये पूरा मामला, जब उत्तर पुस्तिका घोटाला सामने आया था। घोटाले से जुड़ी है 61 उत्तर पुस्तिका। तो आपको बता दें कि रोहतक में सड़क पर उत्तर पुस्तिका मिलने का ये पूरा मामला है। एसपी ने मालखाना कर्मचारी को निलंबित किया है। जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर को मालखाने से कोर्ट ले जाई गई थी उत्तर पुस्तिका और कोर्ट से वापस मालखाने ले जाते वक्त सड़क पर ये गिर गई थी। फरवरी 2013 में दरअसल उत्तर पुस्तिका घोटाला उजागर हुआ था और उसी से जुड़ी हुई है ये उत्तर पुस्तिका जो सड़क पर मिली है और अब एसपी ने इसी संबंध में मालखाना कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। तो आपको बता दें कि सड़क पर उत्तर पुस्तिका मिलने का यह पूरा मामला सामने आया है रोहतक से, जहां पर एसपी ने मालखाना कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि 21 नवंबर को
मालखाने से कोर्ट ये उत्तर पुस्तिकाएं ले जाई गई थी और कोर्ट से वापस इन्हें मालखाना ले जाते वक्त ये सड़क पर गिर गई। ये पूरा मामला दरअसल फरवरी 2013 का है जब उत्तर पुस्तिका घोटाला सामने आया था और उसी से जुड़ी हुई ये उत्तर पुस्तिकाएं हैं जो 61 उत्तर पुस्तिकाएं सड़क पर मिली। और चलिए इसी के साथ 4 बजे हरियाणा में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं zpunjab.com पर, फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab#ZPHH पर। और चलिए इसी के साथ 4 बजे हरियाणा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।